सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू शॉप एड। तो गाइस आज हम करेंगे कुछ स्टेप की फोटो एडिटिंग। तो गाइस इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना, मैं आपको एकदम इजी से स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस सबसे पहले देखिए, आपको इस बैकग्राउंड को शेयर कर लेना अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो गाइस मैंने इस बैकग्राउंड का लिंक आपको पहले से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देन आपको यहाँ से आ जाना है ड्रॉ टूल्स में। तो गाइस आप अपनी सारी एडिटिंग जो यहाँ पे ड्रॉ टूल्स में करेंगे, तो यहाँ से आपको अपने फोटो को जो सारे इस बैकग्राउंड को जो शेयर कर लेना है अपने ड्रॉ टूल में। देन यहाँ पे यहाँ से आ जाना है आपको लेयर पे। यहाँ पे पहले से एक एम्प्टी लेयर बनी हुई है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट आ जाते हैं ऐड फोटो पे और गाइस हम अपने फोटो को ऐड करेंगे। तो देखिए गाइस, आपको अपने फोटो को ऐड करने के बाद आपको जो है यहाँ पे एडजस्ट करना है जो यहाँ पे एक बिल्डिंग की जो एकदम किनारा है ना गाइस यहाँ पे। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जिस तरह के पोज में अपने फोटो को क्लिक करवाए, तो गाइस इस पोज से जो आपकी फोटो एकदम बढ़िया लगेगी और गाइस कोई नहीं रहेगा कि भाई ये एडिटिंग है। देन गाइस अभी देखिए हमने यहाँ पे फोटो ऐड कर लिया, मगर जैसे हमें यहाँ पे शैडो बनाना है तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर बना लेंगे और गाइस इस एम्प्टी लेयर को आपको अपने फोटो के नीचे की तरफ ला लेना है। देन आपको अपने ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है और गाइस इस ब्रश की जो ओपेसिटी है ना गाइस इसे आपको 10 पे रख लेना है। देन कर लेंगे हम यहाँ से डन। और अभी देखिए गाइस आपको यहाँ से जो हल्का सा शैडो बना लेना है, सिर्फ एक या फिर दो स्ट्रोक्स कर लेना है और इससे आपको एकदम बढ़िया वाला शैडो मिल जाएगा। देन गाइस आपको यहाँ पे लेयर्स पे आ जाना है। तो अभी देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ऑन और ऑफ करके इस वाले लेयर को। देखिए शैडो बनाने के बाद जो हमारी एकदम फोटो बढ़िया लग रही है। तो गाइस आपको यहाँ पे एक और एम्प्टी लेयर बना लेनी है और गाइस यहाँ पे आपको ब्रश को सिलेक्ट करके गाइस ब्रश के साइज को आपको बढ़ा लेना है अराउंड 40 पे। देन अभी देखिए गाइस आपको अपने शूज पे या फिर अपने जो भी ड्रेस वगैरह है वहाँ पे आपको कुछ इस तरह से जो एकदम मतलब ब्रश से ब्लैक पेंट कर लेना है। इससे क्या होगा इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे फिर से हम ओपेसिटी को हल्का सा कम कर लेते हैं अराउंड 19 पे। देन अभी देखिए आपको यहाँ से फिर से जो अपने ड्रेस के ऊपर इसे अप्लाई करना है। तो जिस तरफ भी गाइस आपको जो है अभी देखिए जैसे कि हमारे लेफ्ट साइड में जो सनलाइट नहीं आ रही है तो यहाँ पे डार्क है, तो मैं इस तरफ कर लेता हूँ। तो अभी देखिए हम इस लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी ओपेसिटी को जो है हम हल्का सा यहाँ पे कम कर लेते हैं। तो अभी देखिए गाइस एकदम मतलब इस ब्रश को अप्लाई करने के बाद हमारी जो फोटो एकदम रियलिस्टिक लग रही है और गाइस इससे जो है हमारे फोटो में एकदम रियलिस्टिक लुक आता है। ठीक है, तो देन अभी इतना करने के बाद आपको यहाँ से कर लेना है डन। और अभी देखिए गाइस हम यहाँ पे जो हल्की सी जो कुछ कलर ग्रेडिंग में लाइट वगैरह एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे आ जाए टूल्स, देन गाइस आपको एडजस्ट पे आ जाना है। यहाँ पे गाइस आपको ब्राइटनेस को जो हल्का सा बढ़ा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं अराउंड 24 पे रख ले रहा हूँ मैं तो। देन यहाँ से कर लेंगे इनवर्ट। देन गाइस आपको जो रिस्टोर पे ब्रश है ना गाइस इसे सेलेक्ट कर लेना है, इसकी हार्डनेस को आपको जीरो कर लेना है, ओपेसिटी को हल्का सा कम और साइज को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। देन अभी देखिए जिस तरफ भी आपके जो बॉडी के ऊपर लाइट आ रही है ना गाइस उस तरफ जो आपको इसे पेंट कर लेना है। तो अभी देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना गाइस इस तरह से आपको जिस तरफ भी आपके बॉडी के ऊपर लाइट आ रही है ना उस तरफ आपको जो इसे पेंट कर लेना है। तो अभी मैं यहाँ पे इसे हल्का सा फेस पे भी कर ले रहा हूँ जिससे थोड़ा मतलब डॉट्स एंड बर्न वाला इफेक्ट आ जाए। देन ऐसे हाथों पे भी कर लेंगे और हल्का सा यहाँ पे भी। देन गाइस कर लेना आपको यहाँ से डन। यहाँ पे देखिए गाइस अभी मैं यहाँ पे ब्राइटनेस को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अराउंड रखूँगा 15 पे। देन कर लेंगे हम यहाँ से डन। तो गाइस हमारा जितना भी काम जो पिक्सआर्ट में था ना वो गाइस हो गया है। तो अभी हम कर लेंगे यहाँ से अपने फोटो को सेव। तो गाइस अपने फोटो को सेव करने के लिए आपको यहाँ से आ जाना है ड्रॉ टूल्स में, देन गाइस थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है और गाइस आपको अपने फोटो को सेव कर लेना है। और गाइस फोटो को सेव करने के बाद आपको इसे शेयर कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन में, क्योंकि हमारा हल्की सी जो कलर ग्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पे आकर गाइस एक्सपोजर को कर लेना है -0.30। देन यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को हम हल्का सा बढ़ा लेते हैं। देन हाईलाइट्स को कर लेंगे यहाँ पे हल्का सा कम। तो हमने यहाँ पे लाइट्स को एडजस्ट कर लिया है। देन गाइस आपको इसके नीचे वाले ऑप्शन पे आ जाना है और इसमें जो है सैचुरेशन को आपको हल्का सा बढ़ा लेना है गाइस, बहुत ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। देन मिक्स पे आ जाना है, रेड कलर को सिलेक्ट करके गाइस जो रेड कलर में ह्यू है ना गाइस इसे आपको हल्का सा मतलब बढ़ा लेना है 10 पे। देन ऑरेंज कलर में भी हम ह्यू को हल्का सा बढ़ा लेंगे जिससे हमारा फेस जो है थोड़ा गोरा हो जाए। देन मैं यहाँ पे येलो कलर को सिलेक्ट करूँगा। देन यहाँ पे इसमें जो है ह्यू को मैं हल्का सा कम करूँगा क्योंकि मेरे मॉडल की जो ड्रेस है वो येलो कलर में। तो अभी यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह में ग्रीन कलर तो नहीं है, ग्रीन को हम कुछ नहीं करेंगे। देन आपको इसके साइड वाले ऑप्शन में आ जाना है, जो लास्ट के चार है ना गाइस इन चारों में जो आपको सैचुरेशन को -100 कर लेना है। देन कर लेना आपको यहाँ से डन। अभी गाइस आपको इसके नीचे वाले ऑप्शन पे आ जाना है, यहाँ पे जो टेक्सचर है ना गाइस इसे आपको हल्का सा बढ़ा लेना है।
देन जो विगनेट है फोर्थ वाला ऑप्शन, इसमें आपको हल्का सा कम कर लेना है जिससे हमारी फोटो जो एकदम बढ़िया लगे। कभी देखेगा कि हमारी फोटो बन के तैयार हो गई है, तो मैं आपको यहाँ पे बिफोर और आफ्टर वाला दिखा देता हूँ। तो हमें देखिए पहले हमारे लाइट फोटो में जो एकदम बहुत ही ज़्यादा लाइट थी, तभी हमारे फोटो में कलर ग्रेडिंग करने के बाद हमारी फोटो एकदम बढ़िया बन चुकी है। तो गाइस होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना ताकि आपको आगे भी ऐसे और इससे भी गाइस मज़ेदार वीडियोस